शबर जैदी साहब, आपने आटे के हवाले से आज एक थ्रेड बनाया। मेरा बुनियादी सवाल ये, और मुझे अच्छी तरह आपका पता है कि आप ये वाजे तौर पर पहले भी कह चुके हैं, शोज में भी कह चुके हैं, मेरे मुझे भी बता चुके हैं, और चीख चीख के कह रहे हैं कि आपके बकौल पाकिस्तान 10 साल पहले ही शायद डिफॉल्ट कर चुका था। मेरी समझ से ये बाहर है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, इनके अंदर इतना फर्क क्यों है? क्या वजह है कि वो मौशी तरक्की कर रहे हैं और हम मौशी पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह, यास्मीन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। इसकी बुनियादी वजह ये है कि अपनी आज़ादी के पहले 50 सालों में, बल्कि 60 सालों में भारत अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाता रहा है। उन्होंने ना अपनी फिस्कल डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ना अपनी इम्पोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, और उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाया, और जिसका फ़ायदा वो आज उठा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि हम भारत के बराबर डिफेंस करने की कोशिश करते रहे। भारत हमसे 7 गुना बड़ा था और हम भारत से 1-7 गुना कम थे, तो हमारा जो 50-60-70 साल का जो डिफेंस का खर्चा है वो हमारा भारत से बहुत ज़्यादा था, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो जाना ही था सिविल साइड पर, और वो हुआ, और वो उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। तो ये वजह है, बुनियादी वजह है। और तीसरी वजह यह है कि भारत के अंदर जो पॉलिसीज हैं, जो पहले भारत दुनिया में हमेशा एक नॉन अलाइंड की सिस्टम में चलने की कोशिश करता रहा, और उसने कभी अपने ऊपर दूसरों की जंगें नहीं थोपी, तो इसलिए उनको कभी एक बड़ी इंसर्जेंसी उस तरह की जिस तरह हमें फेस करनी पड़ रही है 50 साल से, वो नहीं करनी पड़ी, तो वो एक स्टेबल इकोनॉमी बना सके, और हम स्टेबल इकोनॉमी नहीं बना सके। तो ये वो चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज भारत 6.9% की ग्रोथ करने जा रहा है, और उनके पास सऊदी अरब की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है और यूएई की 50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो और सऊदी अरब और यूएई, जिनको हम ब्रदर मुल्क कहते हैं, वो हमारे मुल्क में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर खराबी हमारे है। हम हमेशा ये समझते हैं कि खराबी हमारे बाहर है, खराबी हमारे अंदर है, कि हमने वो फैसले किए जिनका आज हम नतीजा भुगत रहे हैं। जब खर्च की पीते थे मैं, तो कभी ना कभी तो उसके इसका हिसाब देना पड़ेगा ना जी। शबर सैदी साहब, चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज हमारा आजाद फजा में सांस लेना बेशक कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।